फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज हम लोग आए अजंता। अजंता में मैं कम से कम 10 बार आया होगा। तो आज भाई मुंबई से मिलने के लिए आए थे, तो मुंबई से मिलने के लिए बहुत खुशी हुई भाई से मिलके। तो आज आपको जो अजंता केव, बहुत बार आप घूमने के लिए आगे होंगे यहाँ, पर ऐसी चीज़ें आपने जो देखी नहीं हुई अजंता गांव में, जो ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पहले सबसे पहले तो वागो नदी गेट बताएंगे आपको हम। जो लोग रहते थे यहाँ पानी की दिक्कत रहती थी, जैसा मैंने बताया था उनको लेनापुर में किस तरह की दिक्कत है, ऐसी दिक्कत रहती थी पानी की। और पानी की जो दिक्कत रहती थी, तो बहुत हाइटेड लोग थे वो। इसका फोटो आपको, पुराना फोटो उसमें गूगल पे मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से चार लोग थे तो हाइटेड एकदम 67 फीट हाइट थी पुरानी लोगों के। यहाँ से पानी निकालते थे, ये गेट जो दिखा ना, यहाँ से पानी निकाल के ऊपर चढ़ाते थे, फिर पीने के लिए गांव के अंदर लेके जाते थे। और ये जो गांव था पहले, तो इसके सिर्फ गांव का जो इतराफ ये एरिया था, तो इसके अंदर था गांव बसेवा सिर्फ। अजंता जो है ना, इसके अंदर बसेवा था। ये जो 17 डिग्री में, तो इसके अंदर ही बसेवा था पहले। तो पहले पुराने बहुत से जानवर रहते थे, जो शिकारी रहते थे पहले, जो जंग होती थी, जो पहले बादशाहों की इनकी जंग होती थी, तो सेफ्टी के लिए उन्होंने यहाँ गेट लगाए हुए थे। ऐसे 6 गेट है, ऐसे जो गेट थे। और सफ़ेद जो रात के टाइम में 7 बजे के टाइम में वो बंद हो जाते सब। और छोटा एक छोटा दरवाजा है, जो छोटा दरवाजा भी अपने आपको बताऊँ मैं, छोटा गेट है, तो उससे एंट्री रहती थी। जो पुराने लोग जो आते थे खेतने के लिए, जंगल में थे काम करके, और बहुत से पहले जंगली जानवर थे इसमें, इस तरफ जंगली जानवर, आदि भी जंगली जानवर है, शेर है, उसके बाद में रीछ है, उसके बाद में तड़स है ऐसे। तो ये एक ही पत्थर है, और ऐसे पत्थर 4 पत्थर थे, ये एक और ये 2, और वो सामने लगे हुए वहाँ 2 थे, वहाँ के पत्थर 2 गिर गए। ये भी एक डिजाइन था, ये अभी लोगों की लापरवाही, मोटरा बांध रहे, ये बांध रहे, इसकी लापरवाही, कोई ध्यान नहीं दे रहे, जो जिसको सरकार को ध्यान देना चाहिए रिपेयरिंग के वास्ते। इतिहास पूरा डूब रहा है, जैसे कि इतिहास डूब रहा है पूरा। ये दिख रहा है इस तरफ की कमान है। और इसको जो आपको मैं बताता हूँ, ये वागुर रिवर बोला जाता है इसको, वागुर नदी है। और ये वागुर नदी बहुत, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही अजंता से, अजंता से वागुर नदी स्टार्ट हो रही। और ये जो जाती है अजंता वागुर नदी वाटरफॉल, जो 7 वाटरफॉल है अजंता केवूस में, 7 वाटरफॉल, उसको भी वागुर नदी बोला जाता है। और ये वागुर नदी जा रही, ये वागुर डैम जो नेरी के पास एक डैम है, उसमें आके मिलती है। और ये ताप्ती में होते हुए जाती है। आपको हम ये बता रहे हैं, ये जो यहाँ मेन चीज है, यहाँ जो जो मीनार थे, वो मीनार तो गिर गए यहाँ से। यहाँ भी एक मीनार थे, और वहाँ भी एक मीनार था, 2 मीनार थे। तो ये जो आपको गेट बता रहा मैं, ये वागुर नदी एक छोटा दरवाजा है। जितने भी गेट आपको कहीं भी, जितनी भी टूरिस्ट प्लेस पे, जितनी भी ऐसी तरीके से जो निजाम कालीन के जितने भी है ये गेट, जो बादशाहों के टाइम पे, तो हर गेट को आपको ऐसा दरवाजा मिले, छोटा दरवाजा एंट्री के रहता था। और यहाँ एक सिपाही रहता था, पूछता था भाई कौन किसका रिश्तेदार है, तो क्या है, उसको फिर एंट्री मिलती थी, नए आदमी को एंट्री मिलती थी जब 7 बजे के बाद में। ये गेट लग जाता था, और ये पुराना जो जब टाइम का है, जब जंग होती थी हाथियों से, ये गेट को तोड़ना नहीं, इसके लिए इसके वो लगाए थे। ऐसी पूरी राउंड से फसल जाएंगे पूरी पूरे। आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आगे भी बने रहे दोस्तों, आगे जो सराय है रॉबर्ट गिल, जो मैं उसका घर था रॉबर्ट गिल का, वो भी बताएंगे आपको, जो सराय है वो भी बताएंगे, और जो दिल्ली गेट है पारो है, सभी इसी ब्लॉक में आपको बताना। एक पहाड़ है दोस्तों, पहाड़, और पहाड़ से पूरा सफील को, सफील घेरे हुए है पूरे अजंता गांव को, जानवर या कोई अंदर नहीं आ सकता। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जो वागुर नदी वाटरफॉल है, वहां पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर से पानी जाता है, जो नजर आ रहा वागुर नदी वाटरफॉल है, और यहां का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। ये देखिए, ये पहाड़ के जो छोटे छोटे झरने हैं, इसमें यहाँ के लोग हचकटरा बोलते हैं इसको, मामू भांजा बोलते हैं। जो आपको पानी के कुंड नजर आ रहे हैं, ये कितने कुंड हो गए टोटल? ये बहुत से बहुत 4 से 5 कुंड है, पर छोटे छोटे कुंड भी बहुत है, कुंड बोलते हैं इसको। और खास बात, यहाँ से आपको ये वाटरफॉल के, हम जगह जगह खड़े बारिश के अंदर, यहाँ से पानी जाता है, और बहुत सारा पानी जाता है। वो जो नजर आ रहा है 12 दरी, जिसको बोलते हैं, रॉबर्ट गिल का घर भी उस तरफ, जो बताएंगे हम आपको वो भी बताएंगे। और वो किला, ये किला देखिए, इस तरीके की सफीले रहती थी, और पूरी सफीले पहाड़ के जितनी भी किनारे हैं, पहाड़ को खेत के सफीले बनाए थे ऊंची ऊंची, क्या कोई जानवर और कुछ जो शिकारी कोई अंदर नहीं आ सके, और कोई जब जंग होती थी या कोई दूसरा सिपाही अंदर नहीं आ सके, उसके लिए हिफाजत के लिए अजंता में जो लोग रहते थे सराय के अंदर, सभी छावनी थी, सराय में छावनी रहती थी पहले निजाम कालीन के, जो सिपाही रहते थे, सिपाही पूरे सिपाही अंदर रहते थे, तो सेफ्टी रहती थे। तो ये 12 दरी है, तो वहाँ जाने वाले दोस्तों अभी हम आपको बताना उधर। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गिल टॉप, जो रॉबर्ट गिल का जो घर था पहले पुराने टाइम पे,
तो ये जो बारादरी बोलते हैं इसको, गेलटॉप बोलते हैं, उसके अंदर बारादरी है जिसमें अभी सरकारी हॉस्पिटल का काम चालू है, अजंता ग्रामीण रुग्णालय। तो बारादरी के पास हम पहुंच चुके हैं, जो रॉबर्ट गिल का जो घर था वो भी बताया आपको हमने। ये जो गेट है, ये जो किला है उस तरफ से बताया, वागुर नदी जो वाटरफॉल की तरफ से भी आपको बारादरी और किला बताया, किला का उस साइड का भी बता दिया हमने। तो चलते ऊपर से जो वागुर नदी वाटरफॉल है वो आपको नज़ारा कराते हैं, हवाओं का भी मज़ा लेते हैं हम। आराम से चढ़ाएँ, रिपेयरिंग होना चाहिए। आप पहुँच चुके हैं ऊपर का नज़ारा, ये देखिए ये ऊपर चढ़ने के लिए पायरी है। और यहाँ पहले ज़माने में तोप रखी जाती थी, बादशाहों के टाइम में तोप रखते थे। चलते ऊपर आ जाओ, देखिए दोस्तों तो तोप जब रखते थे ना उसके फिट करने के वास्ते साँचा था। पहाड़ में से चढ़ रहा है कोई दूसरी सेना का सिपाही, बोल ये सब तोप के लिए थी, तोप के लिए नहीं, ये बंदूक के लिए। अच्छा, बंदूक के लिए सिपाही रहते थे यहाँ पर हिफाजत के लिए, क्या भाई कोई दूसरी जगह नहीं आना चाहिए था। तो ये है वागुर नदी, वहाँ से बताया दोस्तों आपको हमने, वागुर नदी वाटरफॉल है, आसिफ चावल ने बनाया हुआ है जो बादशाह के टाइम पे पुरानी, और उसके मसाले ऐसे बनाया हुआ तैयार करे हुए मसाले जो मस्जिद के अंदर चमक के लिए, जो शिप्पी आती है अपनी समंदर की शिप्पी से मसाले बना के, जैसा आज के दौर में अपन सल्ला लगा रहे हैं, ये लगा रहे चमक के लिए, अलग अलग तरीके की चीजें लगा रहे घर के अंदर। तो मस्जिद ने पहले बादशाह ने ऐसा लगाया था, जो आसिफ जो अव्वल था उसके जो सिफत आला ने, उन्होंने जो काम करे थे तो काम ऐसा करे थे उन्होंने, जब अपनी शिप्पी आती पूरी समंदर की शिप्पी का मसाला बनाए थे, और मसाला बनाने के टाइम में जब मसाला उसके शाइनिंग, तो अब भी आज भी ऐसा, आज भी उस पर मसाला मौजूद है, वो बहुत शाइनिंग आती मस्जिद में। और जो सराय के बाद में पारो की कब्र बताई है पूरी एक ही ब्लॉक में आपको बताते हैं। ऐसे सिपाही को उतरने दो रास्ते बनाए थे उन्होंने, पहले वो रास्ते से चढ़े अपन, ये दूसरे रास्ते से उतरी है, पर आराम से सेफ्टी से उतरना पड़ता है, आराम से आओ भाई। छोटी छोटी ईंटों से अभी के दौर में तो कोई बना भी नहीं सकता इसे। नहीं नहीं नहीं, और इतना टिकाऊ है कि ये सालों साल 200 300 400 साल भी रहेगा तो वैसे रहेगा। ये इसी पत्थर में आप देखो, यहाँ पत्थर लगाए हुए ना पूरे, और ये पुरानी ईट आती है देखो, ये पुरानी ईट है जो अभी के दौर में नई ईट आ रही है अभी मोटी, ये पुरानी ईट बहुत मजबूत है। और जहाँ भी किला देखिए तुम, जहाँ भी ऐतिहासिक जो भी चीज़ है, तो ऐतिहासिक जो भी चीज़ है यही ईट में बने हुए हैं, बराबर ये पुरानी ईटों में। तो ये दोस्तों जामा मस्जिद, पुराने टाइम का जो वजू बनाने के लिए अंदर, तो हाथ पैर धो के अच्छे से पाक होके अंदर जाते नमाज अदा करते हैं। ये पुरानी मस्जिद है जो आसिफ जावल ने बनाया था, उसके जो सफ़ेद सफ़ेद जो नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत चमकता था पहले। एक लगभग कितने साल की पुरानी मस्जिद होगी ये? तकरीबन 400 साल हो गया इसको, 400 साल की पुरानी, 400 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। गुंबद बने हुए हैं देखिए, जब से ऐसी है जो अंदर का जितना भी आपको दिखता है वो अंदर का ऐसी जब बादशाह के टाइम से बने हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं करे हुआ है। नहीं नहीं, कोई बदलाव नहीं, नया वजू खाना बने हुआ है इस समय, उसको देख के कॉपी करे हुए हैं। और ये वजू खाने का जो फुवारा आता है, ये फुवारा भी वही टाइम से है, उस समय से है क्या? ना मोटर है ना कुछ है इसमें, जब पानी आता फुवारा ऐसा था बिना मोटर के ऑटोमेटिक प्रेशर से, पानी के प्रेशर से फुवारा आता है इसमें। जो सराय है, और सराय इसके सराय से इसलिए बोलते हैं कि जो मुसाफिर पहले सफर करते थे, और एक खास बात ये जो अपन गांधी चौक में से आए, पहले लोगों को जो लाइट की रोशनी नहीं थी, तो लोग क्या कर, एक ड्यूटी पर रहता था पहले इंसान, एक जना ड्यूटी पर लगाया हुआ रहता था, हर जगह कंदिल चौमनी होती, कंदिल जो अपना आज के तौर में मशाल मशाल लेके जाते, एक मशाल थी हर गांव में, जैसे कुंभे थे तेल के, वो तेल डालते थे लोग, और फिर लाइट नहीं रहती थी रोशनी गाँव में, फिर गाँव में फिर उसमें लाइट में वो उसमें तेल डालते थे, पहले पुराना तेल जो जो भी चेकने वाला थे उसको डाल के, फिर गाँव में पूरे गाँव में कंदिल चेकते थे पुराने टाइम पे। गेट है सराय का गेट है, या जो भी मुसाफिर जरा वहाँ से मुसाफिर आ रहा है कोई औरंगाबाद से या किधर से मुसाफिर, यहाँ मुसाफिर रुकते थे, यहाँ मुसाफिर खाना था सराय जिसको बनते अरबी में लिखा है, आशा रफी बलदल आमीना आमीना। तो थोड़ी बहुत गलती भी हुई अरबी मेरे से, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। इसमें जो अरबी में लिखा हुआ इस पर, इसके शहर को अब्दो अमन में इधर शांति बनाए रखो, बादशाह ने पहले लिखा था ये शहर को अब्दो अमन में रख। ये देखिए दोस्तों अपन नए से एंट्री कर रहे हैं, पहले दूसरे गेट पे गए थे,
तो दोस्तों यहाँ हम आए ऐसी और ऐसी आके जो चौतरा से घूम के फिर ऐसी हम उतरेंगे। बाहर कोई सिपाही आ जाता था तो यहाँ भी तोप रहती थी और उसमें हर खिड़की में बंदूक रहती थी, हर सिपाही अलग अलग बंदूक। अगर ऊपर से सामने से दिख रहा स्टेट तो स्टेट में फायरिंग करता था और यहाँ नीचे आ गया तो नीचे से देखो नीचे के वास्ते भी ये देखो यहाँ सामने अगर दिख रहा तो यहाँ से भी। और कुछ कुछ ऐसे रहते थे जिसमें से गरम करके तेल ऑयल तेल ये डालते थे। अंदर जाने का था वो सिपाही ऊपर चढ़ने के लिए सभी बंद करते सभी लोग रहे जिसके नीचे ना हाँ वहाँ पे भी घर बना दिए अभी घर बना दिए बोले तो अब लोग रह रहे इसमें पहले सिपाही रहते थे अब लोग रह रहे फिर से गुड़ी लग गया देखिए। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी दिल्ली गेट तो यहाँ से आपको पारो की खबर का नजारा बताएंगे हम। ये देखिए लोगों की लापरवाही क्या क्या लिख के रख रहे हैं। ये मीनार है इस पर देखो ऊपर जो फन नजर आ रही फन ये हर जो पुराने किलों पे आपको हर किले पे नजर आएंगे कहीं भी देखिए हिंदुस्तान में जहाँ भी किला बनेगा और मेरे से पुराने लोगों को जो मेरे से पुराने उनको समझ आई वो भी ऐसी देख रहे और उससे पुराने जो बुजुर्ग है वो भी इसको ऐसी देख रहे ना। अभी तक कोई रिपेयरिंग नहीं कोई सरकार की तरफ से कोई रिपेयरिंग नहीं इसकी। हालांकि ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस है अजंता केव बोले तो वर्ल्ड फेमस है अजंता केव वर्ल्ड फेमस होने के बाद में इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ तो सरकार की सबसे ज्यादा लापरवाही जो औकाफ मंत्री रहते हैं उनकी लापरवाही रहती है। रिपेयरिंग के पैसे आते कुछ बताते नहीं और उस समय इतने साधन भी नहीं थे बनाने के लिए लेकिन अभी बनाने के लिए इतने साधन भी थे आप इतने साधन हो के इसको रिपेयरिंग नहीं कर रहे नहीं कर पा रहे है क्या नहीं इतनी साधन है अभी सब कुछ है सरकार के पास हर चीज हर इंसान एक से एक मिस्त्री है एक से कुछ कलाकार है पर इतना साधन होए बात भी मना नहीं जब कुछ साधन नहीं था जब उन्होंने कैसे बनाए हुए ये एक सोचने की बात है ये बहुत बड़ा पॉइंट है। भी जाएंगे आप कोई भी पुरानी इमारत देखिए तो वहाँ ऐसी है जो पुराने के जो जो राजा महाराज थे और इसका मेन मुद्दा भ्रष्टाचार है। और बाहर देश में अगर जाओगे फॉरेन कंट्री में तो वहाँ पे छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है छोटी छोटी बात का हर चीज का ध्यान रखा जाता है पुरानी जितनी अपने जो पुराने लोगों का इतिहास है जिसका भी है तो उसको अच्छे से ध्यान रखा जाता है अच्छे से सेफ्टी करा जाती है जब आते ही देखने के लिए अगर ऐसा देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आता नहीं आएगा भी नहीं कोई भी नहीं आता इसको। अगर इसको अगर नहीं बना पा रहे हो तो उसको अच्छे से अगर रख रहे हो तो टूरिस्ट आ ही जाएगी बिल्कुल बिल्कुल ये तो इतिहास है जनता बोले तो इतिहास है। आज दो आदमी आएंगे कल दस आएंगे परसों और अगर आज एक आया उसने बता दिया कि गंदगी तो दूसरा आएगा ही नहीं वही बात ये जनता की प्रॉब्लम बहुत दूर दूर से लंदन पेरिस अमेरिका जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड बहुत से टूरिस्ट आते हैं यहाँ और यहाँ अजंता केव देखने के अलावा ये अजंता गांव कैसा है ये भी देखने के लिए आते हैं। तो अजंता गांव का तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है लापरवाही है। तो हम पहुँच चुके हैं दूसरे रास्ते पे देखिए ये बने अभी ये बंद है ये देखिए सर यहाँ पे सब जुआ चल रहा है जुआ चल रहा है हमने एंट्री करा था वहीं से हम वापस जा रहे हैं। चलते दोस्तों अभी पारो की कबर बताते जो है जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है जो अच्छे से काम हो रहा है वहाँ। दोस्तों सराय का खूबसूरत नज़ारा आपको बताइए दिल्ली गेट है जो खूबसूरत नज़ारा आपको बताते हैं यहाँ देखिए कितनी सेफ्टी है जो देखिए इतना डेवलपमेंट नहीं था यहाँ नहीं नहीं किसी तो क्या बोलना चाहिए आपके लिए अच्छा हो रहा है ये देख रहा हूँ अच्छा तो भाई इससे पहले दो तीन बार आया था तो बहुत कचरा है बहुत गंदगी थी कोई ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन अभी जब आया था देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है थोड़ा सा कि कुछ हो रहा है इधर अच्छा। तो चलते एंट्री करते हैं अपन इसमें गार्डन नहीं है जो भी टूरिस्ट आएगा घूमिए अंदर अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा देखिए आपको ये है पारो की कब्र जो आपको बता रहे जो लेनापुर में रहते थे पहले जो एक 70 साल पुरानी लव स्टोरी है रॉबर्ट गिल पारो की तो ये अजंता केव का है उनकी कबर पारो की कबर है और रॉबर्ट गिल जो है उनकी कबर जो वहाँ है भुसावल के अंदर कुछ जानकारी दी हमने जो भी हमारे भाई मुंबई से ज्यादा इनको सपोर्ट करना चाहिए पूरे अजंता के जो सफीले है वागुर नदी गेट है उसके बाद में
जो रॉबर्ट गिल गेट है, जो रॉबर्ट गिल का घर है और जो जितने किले हैं वो आपको हमने एंट्री दिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए और यहाँ बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है जो आपने यहाँ आके देखना चाहिए। आप अगर अजंता केव्स घूमने के लिए आए तो बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं यहाँ जो बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताना चाहिए। भाई को ज़्यादा से ज़्यादा इनके ब्लॉग को सपोर्ट करना चाहिए जो कि मुंबई से आए थे भाई।